जब से बीटीएस वी और जेनी की रूमर्स वायरल हो रही थी तब से वी और जेनी दोनों ने ही इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज सुबह लाइव आकर ही वी ने फाइनली अपना रिप्लाई दे दिया और बहुत ही सारे आर्मीज को पता चल गया कि तैनी रियल है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों लाइव आकर वी ने ऐसा क्या कह दिया ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो शायद आप में से काफी सारे आर्मीज को नहीं पता होगा कि आज सुबह सुबह वी लाइव आए थे, क्योंकि इंडियन टाइम के हिसाब से काफी जल्दी था इसलिए बहुत ही सारी आर्मीज वी के लाइव को मिस भी कर चुकी हैं। लेकिन उसका रिप्ले तो आप व्यूवर्स पर देख ही सकते हैं। तो दोस्तों बात रही तैनी के ऊपर जवाब देने की, तो वैसे तो जब वी लाइव आए थे तो उनका लाइव हर बार की तरह बहुत ही छोटा था, लेकिन उससे पहले वी ने काफी सारे आर्मीज को व्यूवर्स पर आज रिप्लाई भी दिया। और दोस्तों इनमें से बहुत ही सारे आर्मीज ऐसी थी जो कि वी से पूछ रही थी कि आखिर वो आजकल क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और जंगकुक की भी बातें हुई थी। ऐसे में बहुत ही सारे आर्मीज चाहती थी कि वी जेनी के मुद्दे पर लेकर भी कुछ बोले, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों जब वी लाइव आए तो उनका लाइव बहुत ही छोटा था और लाइव आते ही वी ने बताया कि वो काफी हंग्री हैं, इसलिए वो जल्दी जाकर खाना खाना पसंद करेंगे। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी बोला कि वो टायर्ड हैं, इसलिए वो जल्दी से फ्रेशन अप भी होना चाहते हैं। और इतनी सी बात कर ही वी ने अपने लाइफ को बंद कर दिया था, यानी आप समझ ही सकते हैं कि उनका लाइफ बहुत ही छोटा था। ऐसे में बहुत ही सारे आर्मीज वी के लाइफ में तैनी के बारे में कमेंट्स कर रही थी, जेनी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वी ने शायद उन सभी कमेंट्स को इग्नोर कर दिया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इतना सब हो जाने के बाद भी वी आर्मीज को उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि जब एक आर्मी ने व्यूवर्स पर कमेंट करके वी से पूछा कि आखिर उनकी लाइफ कैसी चल रही है, तो वी ने रिप्लाई दिया कि उनकी लाइफ में आर्मीज हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ परफेक्ट है। दोस्तों काफी सारे लोग चाहते थे कि यहाँ पर वी जेनी का नाम ले, लेकिन ऐसा लगता है कि तैनी सच में रियल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद वी इसके ऊपर बात करते। लेकिन बहुत ही सारे आर्मीज को ऐसा भी लगता है कि शायद वी आर्मीज के सामने रिवील नहीं करना चाहते अपना और जेनी का रिलेशनशिप, इसीलिए उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। इससे पहले जब जंगकुक लाइव आए थे तब भी बहुत सारे आर्मीज बार बार वी और जेनी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन जंगकुक ने भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा था। तो हो सकता है कि बीटीएस का कोई भी मेंबर इसके बारे में कुछ भी ना कहना चाहता हो, क्योंकि वो नहीं चाहते होंगे कि कंट्रोवर्सी और ज्यादा आगे बढ़े। हालांकि दोस्तों ये बात तो श्योर है कि वी ने जरूर जेनी के नाम का कोई कमेंट तो देखा ही होगा, और जो सारी रूमर्स चल रही हैं वो भी वी को जरूर पता होंगी। लेकिन इन सबके बीच में लाइव आकर वी ने आर्मी से बात करी और ये इंश्योर किया कि वो बिल्कुल ठीक है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि शायद तैनी सिर्फ और सिर्फ एक रूमर ही है, लेकिन अगर ये सच बात है तो शायद इसका कंक्लूजन ये है कि वी या फिर जेनी कोई भी आर्मीज को इसके बारे में रिवील नहीं करना चाहता। और अगर उनकी यही मर्जी है तो आर्मीज को भी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बार बार उनके लाइव में उनके कमेंट्स में ऐसे नाम और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि तैनी के बारे में आपका क्या कहना है। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।